मध्य प्रदेश के गुना में जनपद पंचायत अध्यक्ष पर फिर से विवाद हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 22 वार्डों के सदस्य 11-11 सदस्य चुने गए थे, जिसके बाद पर्ची डालकर वैशाली नोरेलिया ढिमराई को अध्यक्ष चुना गया था। आज एक नया मामला सामने आया जिसमें 11 सदस्यों का कहना है कि वर्तमान में जो अध्यक्ष चुने गए हैं हम उससे संतुष्ट नहीं है और जिस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है उन्हीं के एक सदस्य मुन्नीबाई हरनाम सिंह रघुवंशी वार्ड क्रमांक 6 ने बताया कि उन्हें उपाध्यक्ष बनाने की बात कुछ नेताओं ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को 10 दिन का समय दिया गया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो या तो घर बैठ जाएंगे या फिर दूसरे 11 सदस्यों के साथ रहकर उनके गलत कामों का विरोध करेंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है तो यह एक जनपद पंचायती चुनाव है। आपका नाम? ब्रजेश कुमार शर्मा। आप कौन से जनपद सदस्य वार्ड से नवनिर्वाचित जनपद सदस्य बने? वार्ड क्रमांक 9 से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जो अभी हाल ही में नवनिर्वाचित जनपद पंचायत अध्यक्ष का गठन हुआ है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का? अभी हम 11 सदस्य एकजुटता से हैं जी, और दादा भी हमारे करैया वाले दादा जी अन्नाम सिंह जी हमारे साथ आने को तैयार हैं जी। यदि उन्हें 10 दिन के अंदर उपाध्यक्ष उस पार्टी द्वारा नहीं बनाया जाता जी तो हम उन्हें 10 दिन बाद हमारी पार्टी से 12वें सदस्य के रूप में शामिल करेंगे। अच्छा, तो अभी ये चुनाव हुआ था तो इसमें क्या दोनों पार्टियों के 11-11 कैंडिडेट रहे थे? हाँ, दोनों पार्टियों के 11-11 कैंडिडेट रहे थे और पर्ची से अध्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो दादा अभी उस पार्टी में थे जो कि इसमें आ गए हैं? अभी तक दादा उसी पार्टी में थे जी जी। उन लोगों को क्या आश्वासन दिया था उन्होंने कि आपको उपाध्यक्ष का दर्जा दिया जाएगा? जी हाँ, दादा को उनने उपाध्यक्ष के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन दादा को साथ धोखा किया उनने, उन्हें उपाध्यक्ष नहीं बनाया। और क्या कहना चाहेंगे आप आगे? यदि वो दादा को उपाध्यक्ष नहीं बनाते जी तो हम हमारी टीम में शामिल करके 12वें सदस्य के रूप में जी, और हम उनकी हर मीटिंग का बहिष्कार।